Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut के मवाना सरकारी स्कूल में हेडमास्टर द्वारा एक बच्ची को बैड टच करने का मामला सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने ग्रामीणों संघ स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर को पीट डाला। शिक्षा विभाग ने जहां हेडमास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित बच्ची की मां ने मवाना थाने में हेडमास्टर जमाल कामिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पहले सुनिए पीड़ित बच्ची की मां ने क्या जानकारी दी। तो मास्टर कह लगा नु लाओ बच्चे को मैं नखून काटू। हमारी बच्ची कह लगी नु मैं नहीं सर मैं काट गई हूं। नु नहीं वहां ले गए ऑफिस में, कोई नहीं था वहां पे। नु कुर्सी पे बैठा ली, नु लाओ नखून काट पैर दो। नु नहीं मैं तो घर जाके काट ली। नु नहीं नहीं, और जो बच्चे थे वे बाहर भेज दिए उसने। नु मैं काटूंगा। तो ऐसे पैरों को छेड़ा था गलत तरीके से लड़की के। लड़की उठ के बाहर आ गई। तो कौन सी क्लास पढ़ती बच्ची? बच्ची पढ़ती है चौथी क्लास में। तो तहरीर दे दी आपने? हाँ जी। मुकदमा हो रहा है आपका? हाँ जी। अब देखिए सूचना पाकर जब पुलिस पहुंची तो वहाँ क्या हुआ। इस बारे में पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस पर सूचना मिली कि एक बच्ची जो कक्षा 4 की स्टूडेंट थी, उसके साथ वहीं पढ़ाने वाले टीचर ने नाखून काटने के बहाने उसके से छेड़खानी की है। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से FIR पंजीकृत की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कितने उम्र से बच्चे की? अभी उसके प्रमाण पत्र इकट्ठे किए जा रहे हैं। कक्षा 4 की छात्रा है। गिरफ्तार कर लिया गया उसको? जी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने यह बताया। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और बीओ को मैंने जांच करने के लिए भेजा है। वैसे भी जो भी जांच आख्या होगी उसके आधार पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कहाँ से स्कूल था और ये आज का प्रकरण संज्ञान में आया, मुझे मवाना का है। और जो मुझे संज्ञान में आया कि वो नेल्स काट रहे थे बच्चियों के। अभी मतलब प्रथम मतलब मुझे अभी इतनी जानकारी है। जैसे बीओ जांच रिपोर्ट देंगे, बीओ को मैंने भेजा है, उसके आधार पर जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जब जिलाधिकारी दीपक मीणा से वार्ता की गई तो उन्होंने यह कहा। नहीं देखिए, ये मैटर एक संज्ञान में आया है। कक्षा 4 की एक छात्रा है, उनके पेरेंट्स ने ये सूचना दी और तहरीर दी कि जिसमें वो जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ के जो टीचर हैं उनके द्वारा एक तरीके से बैड टच बच्ची को किया गया। नाखून काटने के बहाने उसको बुलाया गया और रास्ते में उसके लेग्स में टच किया गया, जिससे वो अनकम्फर्टेबल फील हुई। उसने आकर अपने पेरेंट्स को बताया। तो प्रथम दृष्टया उनकी रिपोर्ट पे तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया गया और टीचर को प्राइमर पे सही सस्पेंड किया गया और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है। आगे जैसे भी जांच में होगा उस हिसाब से आगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।